आसमान से बारिश गिरती है तो क्या होता है? सड़कें डूबती हैं, बहुत ज्यादा पानी हो तो बाढ़ आ जाती है, घर बाजार मोहल्ले शहर डूबने लगते हैं। लेकिन अगर ऐसी बारिश हो कि जमीन की खाल ही उधेड़ कर रख दे तो उसे आप क्या कहेंगे? जम्मू कश्मीर के लेह में ऐसा ही हुआ है, समझिए कैसे। इस तरह से बारिश जमीन की खाल कब उधेड़ती है, इस तरह से बड़े बड़े पत्थर तिनकों की तरह कब बहकर घरों तक आते हैं, इस तरह सही सलामत कारों का हाल पत्थर कब करते हैं, इस तरह घरों के बाहर कहां से पत्थर आ जाते हैं, और अच्छी पथरीली जमीन में कीचड़ की ऐसी जमीन कब तैयार होती है, जब एक किलोमीटर लंबी और चौड़ी जगह पर दो घंटे के भीतर 50 लाख लीटर पानी गिर जाए, यूं समझिए 2.5 लाख बाल्टी पानी किसी ने लाकर उड़ेल दिया। आंकड़ों से ना समझ पाए हो तो तस्वीरें देखिए, इसमें आपको कुछ अजीब दिख रहा होगा। बारिश ने जमीन की सूरत नहीं बिगाड़ी बल्कि उसकी खाल उधेड़ कर रख दी है। ये शब्द आपको चुभ सकते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि बारिश कुछ इस तरह से बरसी है कि जमीन की ऊपरी परत को उधाड़ दिया है। ये जमीन पर पसरे पत्थर नहीं बल्कि उधड़ी हुई खाल के चोट के निशान है। दुनिया की सबसे ऊंची सड़क के लिए मशहूर है जम्मू कश्मीर का लेह, लेकिन आज इसकी जमीन नहीं बारिश सुर्खियों में है। ये तस्वीरें बारिश के बाद की हैं, लेकिन बारिश आई थी तो कैसा तांडव मचाया था, उसकी गवाह है बर्बाद हो चुकी ये कार। बर्बादी की बारिश के गवाह हैं ये बड़े बड़े पत्थर जो पानी अपने साथ बहाकर लाया था। ये कार सही सलामत खड़ी रही होगी, लेकिन बारिश के साथ आए पत्थरों ने क्या हाल किया ये तस्वीर बताती है। सोचिए बारिश का बहाव कितना तेज रहा होगा जब ये बड़े बड़े पत्थर घर की इस दीवार से टकराए होंगे। मिट्टी और पत्थर से लिपटी जो जमीन आपको तस्वीर में दिख रही है, ये तस्वीर ऐसी थी नहीं, ये जमीन ऐसी थी नहीं। बारिश से पहले घर के आगे मिट्टी का ऐसा मलबा था नहीं। इस घर को देखिए, ऐसा लगता है कि यहाँ तो पाषाण काल से पत्थर बिछे हुए हैं, जैसे यहाँ कभी कोई जमीन थी ही नहीं। लेह में दो घंटे के भीतर 8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि दिन भर में 4.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई, जो कि आज की सामान्य बारिश से 4,450 फीसदी ज्यादा है। मतलब समझ रहे हैं, जितनी बारिश होती उससे 5,000 गुना ज्यादा बारिश हो गई। लेह से 10 किलोमीटर दूर तकमो गांव के ऊपर पहाड़ों पर बादल फटा। चूंकि पहाड़ों पर यहाँ पेड़ नहीं होते तो पानी मलबा लेकर बरसाती नाले से नीचे आने लगा। रास्ते में 3 गांव इसकी चपेट में आए। इनमें से एक तकमो जहाँ की तस्वीरें अब तक नहीं आ पाई है, और इसके अलावा साबू और शेह गाँव जिसकी तस्वीरें आपके सामने है। घर के सामने चलने की जगह नहीं बची, ऐसा लग रहा है किसी ने बड़े बड़े पत्थर रख दिए, पूरा इलाका पत्थरों से भर गया। सोचिए जिस जगह पर बादल फटा उस गांव में कैसी तबाही हुई होगी। ये है ABP News, आपको रखे आगे।